नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज पर अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने हिंदुस्तान न्यूज पर बहुत ही बड़ी खबर डाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से बताएंगे पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने क्या बड़ी खबर अपडेट डाला है आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की 11 माह की सेवा पूरी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 11 माह यानी 11 महीने की सेवा जो है पूरी हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है ना। आप खुद भी पढ़ सकते हो इस वीडियो को माध्यम से, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल पर नहीं जरूर तो सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक कर दो और बगल में घंटी वाली बटन को भी दबा देना भाई, आने वाली पूरी पल पल के अपडेट जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है, देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि अब नए नियम के अंतर्गत उनकी सेवा नवीकृत करने की कवायद लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू कर दी है सभी प्राचार्यों से उनकी सेवा नवीकृत कराने की अनुशंसा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आधार पर होगी उनकी सेवा, 11 माह के लिए बढ़ाई जाएगी पीजी विभागों व अंगीभूत कॉलेजों में जिन विषय, देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जिन विषयों व शिक्षकों के रिक्त पद हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की पूर्ण, जी हाँ दोस्तों पूर्ण नियुक्ति होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खास करके पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या जहाँ शून्य है या बहुत ही कम है वहाँ छात्र शिक्षक के अनुपात में अतिथि, देखिए बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षकों के लिए, सभी स्टूडेंट्स छात्र के लिए भी। दोस्तों एक मैं बात कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स, यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाना भाई, क्योंकि आप लोगों को पूरी पल पल की अपडेट जो है, पूरी न्यू नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप में हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाए। चलिए यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है खास करके, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में 11 माह तक ही अतिथि शिक्षकों की सेवा में बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। 11 माह की सेवा पूरी होने के बाद पूर्ण रूप से उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अगले 11 माह के लिए उनकी सेवा नवीकरण करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय स्तर पर बनाई जाएगी कमेटी, कुलपति होंगे अध्यक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि देखिए शुरू से यहाँ पर पढ़िए आप लोग, अतिथि शिक्षकों की पूर्ण नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी जिसमें समिति के अध्यक्ष कुलपति होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि कुलपति द्वारा नामित एक संबंधित विषय के विशेषज्ञ संबंधित संख्याय के संख्या अध्यक्ष संबंधित, यहाँ पर देखिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग महिला या देख सकते हैं महिला या दिव्यांग श्रेणी के वन शिक्षाविद सदस्य होंगे। नए प्रावधान के मुताबिक अतिथि, देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान और 1500 प्रति माह अधिकतम 50,000 दिए जाने हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यह प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर 13 अप्रैल 2021 से प्रभाव में है। प्रावधानों की कसौटी पर खरा उतरने वाले अतिथि शिक्षकों की ही सेवा नवीकरण की जाएगी। यह बड़ी खबर है बहुत ही लोगों, सभी छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों देखिए जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को में देख रहे हैं, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी खबर आता है चाहे कुछ भी हो, सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक अपडेट आपको इस चैनल पर दिया जाता है, ठीक है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को पूरी खबर दी जाती है, पूरी अपडेट दिया जाता है। तो सभी छात्रों से अपील है, विनती है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी छात्रों के साथ, और चैनल पर न्यू जुड़े तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक कर दीजिए और बगल में घंटी का ऑप्शन जरूर दबा दीजिएगा। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए पूरी नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो गाइज, वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आगे इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में।
नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।